सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसके अलावा पिछला वीडियो हमने साइंस का फास्ट रिवीजन का पहला पार्ट देखा था, वो आपको साइड में आई बटन में लिंक में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे प्रेपोजिशन जो है उसकी एक्सरसाइज के अंतर्गत टोटल 25 सेंटेंस। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है और यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ हुई है उसका हम जो यूज़ कहाँ होता है इन्हीं सेंटेंसों के आधार पर आपको समझाएंगे। तो लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर वन। पहला है, उसने बंदूक से चिड़िया मारी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही किल्ड अ बर्ड विद अ गन। तो विद यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, विद का यूज़ समझिए, तो विद जो है वो यंत्र से पूर्व यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर यंत्र क्या है, बंदूक है, तो उससे पहले जो यूज़ हो रहा है यानी कि आ गन से पहले यूज़ हो रहा है तो ये आपका विद होगा। तो विद कहाँ यूज़ होगा ये आपने समझा। बात करते हैं दूसरे की, चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया, तो इसका क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। तो यहाँ पर जो बाय यूज़ हो रहा है ये जो है वो कर्ता से पहले यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो है वो बाय हो जाएगा। अगला है, अनिल सिकंदराबाद में रहता है, अनिल लिव्स एट सिकंदराबाद। तो एट जो यूज़ हो रहा है, एट जो है वो छोटे स्थान जैसे कि गाँव, छोटे शहर या कस्बे के पूर्व और उसके साथ साथ समय के लिए भी जो है वो आता है। तो यहाँ पर सिकंदराबाद दे रखा है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एट हो जाएगा। अगला है, वह 2 वर्ष से लंदन में रह रहा है, तो इसका क्या होगा, ही हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो इन लगा हुआ है, इन का जो है यूज़ सीमा, जैसे कि हमारी कोई भी देश होती उसकी सीमा, देशों या बड़े शहरों और समय की अवधि के पूर्व जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देश दे रखा है लंदन, तो फिर उस आधार पर आपका इन हो जाएगा। अगला है, वह दिल्ली में मेरे घर ठहरा, तो यहाँ पर भी इन है तो हो जाएगा आपका, ही स्टेड एट माई हाउस इन दिल्ली। अगला है 6, मैं घंटे भर में आपसे मिलूँगा, तो आई सेल सी यू इन एन आवर। अब मैंने क्या बताया था कि समय की अवधि के पूर्व जो है वो प्रयोग होता है। अगला है, वह मुझसे 10 बजे मिला था, तो ही मेट मी एट 10 o'clock। तो यहाँ पर एट यूज़ हुआ है, एट का प्रयोग कहाँ होता है इसको समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर की छोटे स्थान जैसे गांव, छोटे शहर, कस्बे के पूर्व और उसके साथ साथ जो है वो समय के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपका समय दे रखा है, उस आधार पर आपका एट हो जाएगा। अगला है, नौकर कमरे में था, तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वॉज इन द रूम। तो यहाँ पर जो आप इन देख रहे हैं वो किसके लिए होता है, वो स्थिर वस्तुओं के लिए होता है, इनका प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए होता है। मैं यहाँ पर केवल और केवल वन वर्ड में ही आपको बता रहा हूँ कि यूज़ कहाँ होता है ताकि आप कंफ्यूज ज़्यादा जो है वो ना हो। अगला है, पागल आदमी कुएं में कूद पड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, द मैड मैन जम्प्ड इनटू द वेल। तो इनटू का यूज़ कहाँ होता है, ये जो है वो जो गति है, जो स्थिर वस्तुएँ ना होकर गति में होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। तो इन और इनटू में यही डिफरेंस हो जाएगा, तो इनटू का उपयोग गति के लिए। अगला है, लड़के ने मेज की टांग तोड़ दी, तो क्या है इसका सेंटेंस, द बॉय ब्रोक द लेग ऑफ द टेबल। तो ऑफ का उपयोग कहाँ होता है, निर्जीव वस्तुओं के अधिकार को प्रकट करने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। अगला है, मैंने एक युक्ति सोची, आई थॉट ऑफ अ प्लान। तो यहाँ पर ऑफ यूज़ हुआ, ये भी आपका हो जाएगा वही निर्जीव वस्तु के अधिकार को प्रकट करने के लिए। अगला है, सवार घोड़े से गिर गया, तो इसका क्या हो जाएगा, द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स। तो यहाँ ओ डबल एफ ऑफ वाला है, तो ओ डबल एफ ऑफ जो है ये पृथकता के लिए होता है, कोई चीज़ अलग हो रही हो उसके सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि सवार घोड़े से गिरकर अलग हो गया। अगला है, ड्राइवर कार से कूद गया, तो द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, यहाँ भी देखिए अलग हो रहा है। अगला है, उसके बारे में कुछ तो बताओ, तो टेल मी समथिंग अबाउट हिम। अबाउट कहाँ होता है, यूज़ निकट तथा संबंध के लिए, संबंध बताने के लिए या निकट की वस्तु के यूज़ में होता है। अगला सेंटेंस है, नहर के ऊपर एक पुल था,
तो इसका क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द कैनल। यहाँ पर देखिए ओवर आ रहा है, जो हाल ही में मैंने आपको राजन के वन लाइनर कराए तो वहाँ पर इससे संबंधित जो है प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। तो ओवर का यूज़ कहाँ होता है, जब दो वस्तुएँ जो होती हैं उनका संपर्क नहीं होता है, जैसे कि नहर के ऊपर एक पुल है तो इन दोनों का आपस में संपर्क नहीं हो रहा है, तो ये जो है आपका ओवर हो जाएगा। ओवर और थ्रू में काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगला है, कुत्ता मेज के नीचे बैठा था, तो द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर। अंडर जो है वो स्थिर अथवा नीचे की दशा के लिए प्रयुक्त होता है, स्थिर अथवा नीचे की दशा के लिए प्रयुक्त होता है। अगला है, वह दीवार फांद गया, तो क्या हो जाएगा, ही जम्प्ड ओवर द वॉल। ओवर किसके लिए होता है, मैंने अभी आपको बताया, इसमें दो वस्तुओं का संपर्क जो है वो नहीं होता है। अगला है, मिठाई को राम तथा सुरेश में बांट दो, तो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड सुरेश। तो बिटवीन का यूज़ दो व्यक्तियों के लिए होता है, जब यहाँ पर देख रहे हैं मिठाई को राम और सुरेश में बांटने की बात की जा रही है, यानी कि दो व्यक्तियों के लिए बिटवीन का यूज़ होता है। अगला है, मेरे पिताजी ने भिखारियों में कंबल बांटे, तो माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट एमंग द बेगर्स। तो एमंग का यूज़ होता है जब दो से अधिक लोग आते हैं, दो लोग आएंगे तो बिटवीन, दो से अधिक लोग आएंगे तो एमंग। बात करते हैं आगे, इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते रहें। सेंटेंस है आपका, मेरे पिताजी ने वाला हमने देख लिया है। अगला है, सभा समाप्त होने के पश्चात वह यहाँ आया, तो क्या हो जाएगा, ही केम हेयर आफ्टर द मीटिंग वॉज ओवर। तो आफ्टर जो यूज़ होता है वो पश्चात, कहते नहीं हम कि मैं उसके बाद आया, आफ्टर, तो वहाँ से आपका आप समझ सकते हैं कि पश्चात के लिए यूज़ होता है। अगला है, वह स्कूल के पीछे छिप गया, तो ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द स्कूल। तो बिहाइंड जो है वो पीछे के लिए आता है, आफ्टर पश्चात के लिए आता है और बिहाइंड पीछे के लिए आता है। अगला है, इस सप्ताह के अंत तक हम अपना कार्य समाप्त कर लेंगे, तो वी शैल फिनिश आवर वर्क इन अ वीक। इन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इन जो है वो स्थिर वस्तुओं के लिए आता है। अगला सेंटेंस है कि वह एक सप्ताह में मर जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल डाई विद इन अ वीक। तो विद इन का यूज़ तब होता है जब कोई कार्य या कोई काम किसी अवधि में ही जो है वो समाप्त हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सप्ताह को लेकर बात की जा रही है। अगला है, वह 4 दिन से बीमार है, तो हो जाएगा, ही हैज़ बीन इल फॉर 4 डेज। और यह लड़की सोमवार से बीमार है, तो हो जाएगा, दिस गर्ल हैज़ बीन इल सिंस मंडे। तो सिंस और फॉर हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं राजन वाले वन लाइनर में कि सिंस का यूज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का अ पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ से आपको एग्जांपल से भी क्लियर हो रहा है। तो इसी के साथ हमारे टोटल जो 25 सेंटेंस थे वो समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।